नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से डर्बन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रेन से पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन जाएंगे पीएम। कल जोहानिसबर्ग में भारतीय समुदाय के बीच मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के सरजमी को नेल्सन मंडेला की जन्मभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि बताया था। प्रतिबंधों से बेखौफ उत्तर कोरिया ने फिर किया मिसाइल परीक्षण। पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र ने लगाया था प्रतिबंध। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के खिलाफ थार्ड की तैनाती पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया हुआ राजी। रूस ने जताई आपत्ति। पूर्वी क्षेत्र में मिसाइल तैनाती की दी धमकी। नहीं रहे पाकिस्तान के मशहूर समाज सेवी अब्दुल सत्तार इधी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अब्दुल सत्तार की मौत को पूरी मानवता के लिए बताया गहरी क्षति। अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए काम करती है इधी फाउंडेशन। ताइवान में नेपा तर्क तूफान से भारी तबाही। 2 लोगों की मौत, 66 घायल। 15,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 341 ट्रेनें हुई रद्द। अमेरिका ने चीन को दी नसीहत। भारत से सीखे कैसे पड़ोसी देशों के साथ सुलझाए जाते हैं समुद्री विवाद। दक्षिण चीन सागर को लेकर वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और अन्य कई देशों के साथ चीन का चल रहा है विवाद। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।